हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। हाउसेस ऑफ दोज शेल्टरिंग मिलिटेंट्स विल बी रेज्ड। रेज का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी और यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म, और शेल्टर का मतलब होता है किसी को आश्रय देना, ठिकाना देना, और यहाँ पे है उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि ठिकाना देने वाले। ये जो यहाँ पे दोज वर्ड है ना, ये उसके बारे में बता रहा है। एक्चुअली इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे हाउसेज ऑफ दोज यानी कि उन लोगों के घर, शेल्टरिंग मिलिटेंट्स यानी कि उग्रवादियों को ठिकाना देने वाले, विल बी रेज्ड यानी कि नष्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है यानी कि ये पैसिव का फॉर्मेशन हो गया फ्यूचर टेंस में, और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये हाउसेस, और मतलब हो गया उन लोगों के घर जो उग्रवादियों को ठिकाना देते हैं या उग्रवादियों को ठिकाना देने वाले लोगों के घर नष्ट कर दिए जाएंगे। सेज जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा इन बारामूला, बारामूला में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने कहा। अब ये जो कॉमा के बाद का पार्ट है वहां पे सब्जेक्ट हो गया ये लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा, सेज हो गया मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, बट बात तो ये पास्ट की हो गई। आगे की न्यूज है, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऑन ट्यूजडे सेड, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्यूजडे को कहा, द हाउसेज ऑफ दोज हु प्रोवाइड शेल्टर टू मिलिटेंट्स वुड बी रेज्ड। प्रोवाइड का मतलब होता है कुछ प्रदान करना, शेल्टर का मतलब आश्रय। जो पार्ट यहां से शुरू है वहां पे सब्जेक्ट हो गया ये हाउसेज, और जो पार्ट हु से शुरू है वहां से लेके मिलिटेंट्स तक, ये उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जिनके घरों की बात हो रही है, और उसके बाद जो ये है वुड बी रेज्ड वो यहाँ हाउसेज के लिए लिखा गया है, मतलब कि ये उस क्लॉज का पार्ट हो गया जहां पे हाउसेज सब्जेक्ट है और रेज्ड है उसका मेन वर्ब। वुड बी रेज्ड यानी कि ये पैसिव का फॉर्मेशन लिखा गया है, और यहाँ पे वुड का यूज किया गया है क्योंकि पहले ये सेड आ गया है यानी कि ये पास्ट में बात कही जा रही है, इसलिए विल की जगह वुड का यूज किया जा रहा है, और मतलब हो गया उन लोगों के घर जो, अब ये जो हु है ना इस दोज के लिए ही लिखा गया है, जो उग्रवादियों को आश्रय प्रदान करते हैं नष्ट कर दिए जाएंगे, मतलब कि घर नष्ट कर दिए जाएंगे। आगे है आई हैव डायरेक्टेड, यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब है आदेश देना, आज्ञा देना। यहाँ पे हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में, और मतलब हो गया मैंने आदेश दिया है या मैं आदेश दे चुका हूं। फोर्स मतलब यहाँ पे सैन्य बल है, तो सैन्य बलों को मैं ये आदेश दे चुका हूं। नॉट टू हार्म, हार्म का मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाना। एनी इनोसेंट्स, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, यहाँ पे है उसकी प्लूरल फॉर्म, तो मतलब हो गया मैंने सैन्य बलों को आदेश दिए हैं इनोसेंट्स को हानि नहीं पहुंचाने के लिए। But the culprits will not be spared. Culprit का मतलब होता है मुजरिम, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म, और स्पेयर का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, क्षमा करना, तो मतलब हो गया लेकिन मुजरिम क्षमा नहीं किए जाएंगे, मुजरिमों को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे फिर से है विल और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव का फॉर्मेशन हो गया फ्यूचर टेंस का। आगे है इफ एनी वन प्रोवाइड शेल्टर टू टेररिस्ट, यदि कोई उग्रवादियों को आश्रय प्रदान करता है, हिज हाउस विल बी रेज्ड, उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता, और यहाँ पे ऑन इट लिखा गया है इस ऊपर की बात के लिए कि मतलब ये जो उनने आदेश दिया है उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सम पीपल, कुछ लोग, मेक स्टेटमेंट्स, मेक स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई बयान देना, कोई बात कहना, तो मतलब कि कुछ लोग कहते हैं दैट एट्रोसिटीज आर बीइंग कमिटेड ऑन दोज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू टेररिस्ट्स। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार या जुल्म, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म,
और कमिट का मतलब होता है कोई गलत काम करना, कोई क्राइम करना, मतलब कोई भी ऐसी बुरी चीज के लिए कमिट वर्ड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे भी है ना अत्याचार या जुल्म, इसलिए यहाँ पे कमिट वर्ड यूज किया जा रहा है। अब जो पार्ट यहाँ दैट से शुरू है वहां पे सब्जेक्ट है ये एट्रोसिटीज आर बींग कमिटेड, यानी कि ये है पैसिव का फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ऑन दोज यानी कि उन लोगों पर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू टेररिस्ट यानी कि उग्रवादियों को आश्रय प्रदान करने वाले लोगों पर। और जो ये पार्ट था उसमें सब्जेक्ट है सम पीपल और मेक है उसका मेन वर्ब और यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उग्रवादियों को आश्रय प्रदान करने वाले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। हाउएवर, हालांकि दिस इज नॉट एन एट्रोसिटी, ये एक अत्याचार नहीं है, बट अ डिमांड फॉर जस्टिस। डिमांड का मतलब होता है मांग, जस्टिस का मतलब न्याय। यहाँ पे बट का मतलब है बल्कि, तो मतलब हो गया हालांकि ये एक अत्याचार नहीं है बल्कि ये न्याय की मांग है। एंड सच जस्टिस विल कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज का जारी होना, और ऐसा न्याय जारी रहेगा। मिस्टर सिन्हा से, मिस्टर सिन्हा ने कहा, ही वॉज स्पीकिंग इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ये ही मिस्टर सिन्हा के लिए लिखा गया है, वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बोल रहे थे, मतलब पब्लिकली कुछ बोल रहे होंगे। सब्जेक्ट हो गया ये ही, स्पीकिंग है मेन वर्ब और वॉज स्पीकिंग है यानी कि ये है पास्ट कंटिन्यूअस में। वेयर, जहां पे ही इंटरैक्टेड विथ द यूथ ड्यूरिंग द राबताए अवाम प्रोग्राम। इंटरैक्ट करने का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, यूथ का मतलब नौजवान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, और ये प्रोग्राम का नाम हो गया राबताए अवाम। जो क्लॉज वेयर से शुरू है वहां पे सब्जेक्ट है ये ही, इंटरैक्टेड है इसका मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब हो गया जहां पे उन्होंने राबताए अवाम प्रोग्राम के दौरान नौजवानों से बातचीत की, उनसे इंटरैक्ट किया। ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज का आयोजन करना, और यहाँ पे उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड, जो कि इस प्रोग्राम के बारे में बता रहा है कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, और ये हो गया उस फाउंडेशन का नाम, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए, आयोजित किए गए प्रोग्राम के दौरान उन्होंने यूथ्स के साथ इंटरैक्ट किया। कॉल फॉर ज्वाइंट एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, ज्वाइंट का मतलब होता है सम्मिलित, जुड़ा हुआ। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज की मांग करना, उसको जरूरी बताना। मिस्टर सिन्हाज, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी इसका यूज किया गया है, मतलब मिस्टर सिन्हा का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल या सुदृढ़, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, मतलब मिस्टर सिन्हा का सुदृढ़ बयान केम इन द वेक ऑफ। ये जो एक्सप्रेशन है इन द वेक ऑफ, इसका मतलब होता है के मद्देनजर। स्टेप्ड अप मिलिटेंसी, मिलिटेंसी का मतलब होता है आतंकवाद, और स्टेप्ड अप मतलब कि कुछ बढ़ा हुआ। एंड टारगेटेड अटैक्स, अटैक का मतलब होता है हमला, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म, और टारगेट का मतलब होता है किसी चीज को निशाना बनाना, तो टारगेटेड अटैक्स मतलब कि पहले से लक्ष्य किए हुए हमले। ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टारगेटेड, वो इन अटैक्स को डिफाइन कर रहा है। ऑन सिविलियंस, सिविलियन का मतलब आम नागरिक, इन द पास्ट मंथ, पिछले महीने। तो यहां तक मतलब हो गया मिस्टर सिन्हा का ये स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट आया, पिछले महीने सिविलियंस पर लक्षित हमले और बढ़े हुए आतंकवाद के मद्देनजर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टेटमेंट और केम है इसका मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। कॉमा के बाद है विच लेफ्ट 10 पीपल डेड। न्यूज़पेपर में अक्सर ये एक्सप्रेशन इस तरह से यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे है लेफ्ट 10 पीपल डेड, इस तरह से लिखने का मतलब है कि वो मौत का कारण बना, और यहाँ पे मतलब हो गया जो 10 लोगों की मौत का कारण बना। ये विच इन टारगेटेड अटैक्स के लिए कहा जा रहा है कि ये जो टारगेटेड अटैक्स हुए सिविलियंस पे पिछले महीने, वो 10 लोगों की मौत का कारण बना या उसमें 10 लोग मारे गए। एंड अराउंड 14 इंजर्ड, अच्छा ये भी ऊपर का ही पार्ट है, मतलब कि लगभग 14 लोगों के घायल होने का और 10 लोगों की मृत्यु का कारण बना। इंक्लूडिंग नॉन लोकल वर्कर्स,
इंक्लूडिंग का मतलब मिलाकर, तो नन लोकल वर्कर्स को मिलाकर, मतलब ये जो 10 लोग डेड हो गए और 14 घायल हो गए उसमें ये नन लोकल वर्कर्स भी थे, नन लोकल वर्कर्स को मिलाकर ये इतनी सारी मृत्यु हुई और लोग घायल हुए। He said the government would not spare terrorists. Spare का मतलब माफ करना, छोड़ना। Again ये him Mr. सिन्हा के लिए है। तो उन्होंने कहा कि सरकार टेररिस्ट को, आतंकवादियों को नहीं छोड़ेगी, क्षमा नहीं करेगी। And those aiding and abetting them. Aid का मतलब होता है किसी की सहायता करना और abet का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। ये दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे यूज किए गए हैं और देम यूज किया गया है टेररिस्ट के लिए। तो मतलब हो गया उन्होंने कहा सरकार आतंकवादियों को और उन्हें यानी कि आतंकवादियों को सहायता देने वालों को और बढ़ावा देने वालों को नहीं छोड़ेगी। पीपल मस्ट स्टैंड अप फॉर द परपेट्रेटर्स ऑफ टेरर। स्टैंड अप टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का मुकाबला करना, किसी के खिलाफ खड़े होना। और परपेट्रेटर का मतलब होता है दोषी या कर्ता, मतलब किसी क्राइम को करने वाला। टेरर का मतलब होता है आतंक, तो परपेट्रेटर्स ऑफ टेरर मतलब कि आतंक के दोषी, आतंक फैलाने वाले। यहाँ पे यूज किया गया है मस्ट जो कि मॉडल वर्ब है और ये ऑब्लिगेशन को बताता है, मतलब कोई चीज कितन जरूरी है वो जरूर करना चाहिए। और मतलब हो गया लोगों को आतंक फैलाने वालों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल शुड वर्क टू वाइप आउट टेररिज्म ही सेड। सिक्योरिटी फोर्स मतलब सुरक्षा बल, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन और वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज को मिटा देना। तो मतलब हो गया सुरक्षा बलों और प्रशासन और लोगों को काम करना चाहिए आतंकवाद को मिटाने के लिए। आगे है He said the youth were fearless forces of creativity and torch bearers of positive change. Torch bearer का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। और creativity का मतलब होता है किसी भी field में अच्छे अच्छे ideas जिसको आते हैं, इस quality को creativity कहते हैं। Fearless का मतलब होता है निडर। He said मतलब उनने कहा। अब यहाँ के बाद जो ये सारी बातें लिखी गई हैं ये तो डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई हैं, इसीलिए युद्ध के बाद ये वर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, यहाँ पे आर नहीं लिखा जा रहा है। और मतलब हो गया उनने कहा कि नौजवान क्रिएटिविटी के निडर बल हैं और सकारात्मक बदलाव के पथ प्रदर्शक हैं। पॉजिटिव चेंज यानी कि सकारात्मक बदलाव, कुछ अच्छे बदलाव। And they could build a bright and vibrant J&K, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। Build मतलब निर्माण करना, bright का मतलब है यहाँ पे उज्जवल और vibrant का मतलब होता है फुर्तीला, मतलब कि energetic, उत्साह से भरा हुआ। यहाँ पे they लिखा गया है इन यूथ के लिए, मतलब हो गया और वे एक bright और vibrant जम्मू एंड कश्मीर का निर्माण कर सकते हैं। आगे है the combined power of youth। कंबाइंड का मतलब मिला हुआ, सम्मिलित। तो नौजवानों की सम्मिलित शक्ति, इग्नाइटेड बाय डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू कार्व अ न्यू डेस्टिनी फॉर सोसाइटी। इग्नाइट वर्ड का मतलब तो होता है किसी चीज को जलाना, अब यहाँ पे इग्नाइटेड का मतलब है मोटिवेटेड या प्रेरित। डिजायर मतलब कि आकांक्षा, किसी चीज की चाह। एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चय। टू कार्व, कार्व का मतलब होता है किसी चीज को तराशना, निर्माण करना। अ न्यू डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब भविष्य या मुकद्दर कह सकते हैं। फॉर सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, समाज के लिए। तो मतलब हो गया समाज के लिए एक नए भविष्य को तराशने की निश्चय और आकांक्षा से प्रेरित। अब ये तो इस पार्ट का मतलब हो गया। अब जो कॉमा के बाद बात शुरू हो रही है वो फिर से इस वाले क्लॉज का कंटिन्यूएशन हो गया। Will be the most powerful strength in the journey of विकसित भारत। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये the combined power of youth और उसका verb पार्ट है ये will be। The most powerful strength यानी कि सबसे शक्तिशाली बल, मतलब कि विकसित भारत की यात्रा में। तो मतलब हो गया नवयुवकों की combined शक्ति विकसित भारत की यात्रा में सबसे मजबूत बल होगा। आगे है
एंड अ जॉयस पीसफुल प्रॉस्पेरस जम्मू कश्मीर, ही सेड। जॉयस मतलब आनंदपूर्ण, पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण, और प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल। तो ये ऊपर के कंटिन्यूएशन में ही है कि ये विकसित भारत और एक आनंदपूर्ण, शांतिपूर्ण और खुशहाल जम्मू कश्मीर। ही सेड यानी कि उनने कहा। ही अर्ज्ड, अर्ज का मतलब होता है किसी चीज पे जोर डाल के कोई बात कहना, किसी चीज का आग्रह करना। ही अर्ज्ड द यूथ टू कैरी द मैसेज ऑफ पीस, पीस मतलब शांति। तो उन्होंने नौजवानों से आग्रह किया शांति के संदेश को वहन करने के लिए, कैरी करने के लिए। कंट्रीब्यूट टू काउंटर रेडिकलाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है लत, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक, रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कट्टरपंथीवाद, और काउंटर रेडिकलाइजेशन कहने का मतलब है कट्टरपंथीवाद विरोधी। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग देना। तो उन्होंने नौजवानों से आग्रह किया शांति का मैसेज कैरी करने के लिए, काउंटर रेडिकलाइजेशन में सहयोग देने के लिए, और ड्रग एडिक्शन के रोकथाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए, नए वर्ड सीखने के लिए और अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।